इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे यूक्रेन वार से संबंधित। न्यूट्रलिटी एब्स्टेंशन, न्यूट्रलिटी का मतलब होता है किसी की भी साइड नहीं लेना। एब्स्टेंशन का मतलब भी होता है अपने आप को दूर रखना, यानी कि किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, उसे कहते हैं एब्स्टेंशन। अपने आप को अलग रखना, दूर रखना, इन्वॉल्व नहीं होना। इंडिया, अब भारत जो है इसने क्या किया है यूक्रेन वार के संबंध में? न्यूट्रलिटी अपनाई है, यानी कि भारत जो है न तो खुल के रशिया के समर्थन में आया है और न ही खुल के यूक्रेन के समर्थन में आया है। भारत ने जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन की है। और यूएन में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में, जब भी यूक्रेन से संबंधित कोई प्रस्ताव पारित किया गया तो वहाँ पर मतदान से भी अपने आप को भारत ने दूर रखा, एब्स्टेंशन को जो है फॉलो किया। तो इसी संबंध में हम यहाँ बात करेंगे। इंडिया मस्ट टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड का मतलब होता है पक्ष लेना, यानी कि किसी की साइड लेना। तो भारत को जो है पक्ष लेना चाहिए किस चीज़ के खिलाफ? रशियास बॉम्बिंग एंड एनेक्सेशन। देखो, एनेक्सेशन का मतलब होता है कि कब्जा कर लेना, किसी के क्षेत्र पे कब्जा कर लेना, उसको अपने कंट्रोल में ले लेना, उसको हम बोलते हैं एनेक्सेशन। टेरिटरी का मतलब हो गया क्षेत्र। तो भारत को जो है स्टैंड लेना चाहिए, भारत को जो है अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। किस बात के खिलाफ भारत को जो है पक्ष लेना चाहिए? कि रशिया ने जो भी बॉम्बिंग की है, यानी कि रशिया ने यूक्रेन में जो विस्फोट किए हैं, धमाके किए हैं, इसके अलावा जो यूक्रेन की टेरिटरी है, यानी कि यूक्रेन का जो क्षेत्र है, उसको कब्जे में किया है रशिया ने, तो इन बातों के खिलाफ भारत को जो है रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज टेलीफोन कॉल विथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को हमें क्या देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन कॉल की, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो है फ़ोन पर बातचीत हुई। किसके साथ? यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की के साथ। तो ये जो टेलीफोन कॉल थी, अब देखो यहाँ पे ये जो वाज आया है ना, ये वाज आया है इस टेलीफोन कॉल के लिए कि ये जो टेलीफोन कॉल थी वाज अ सिग्निफिकेंट मार्कर, कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्कर थी, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह आप इसे कह सकते हो, संकेत कह सकते हो, इन द कंटिन्यूइंग वार इन यूक्रेन, कि यूक्रेन में जो वार लगातार जारी है, यूक्रेन में जो वार लगातार जारी है, उस लगातार जारी युद्ध में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। क्या? कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिस्टर जेलेंस्की को कॉल किया। वाइल, जबकि मिस्टर मोदी हैज़ ऑफन स्पोकन विथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। जबकि मिस्टर मोदी जो हैं, अक्सर उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। एंड ऑल्सो मेट हिम लास्ट मंथ, और पिछले महीने मिस्टर मोदी ने पुतिन के साथ मुलाकात भी की, हिज कॉन्वर्सेशन। लेकिन मिस्टर मोदी की जो बातचीत है विथ मिस्टर जेलेंस्की, मिस्टर जेलेंस्की के साथ, दस फार, इसका मतलब होता है अब तक, यानी कि अब तक, यानी कि खास करके ये जो यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक, प्राइम मिनिस्टर मोदी की मिस्टर जेलेंस्की के साथ अब तक जो बातचीत रही है वर रेस्ट्रिक्टेड। अब देखो यहाँ पे ये जो वर आया है ना, ये वर आया है कन्वर्सेशंस के लिए, कि मिस्टर मोदी के जो कन्वर्सेशंस हैं, जो बातचीत हैं, वर रेस्ट्रिक्टेड टू। रेस्ट्रिक्ट के साथ टू प्रेपोजिशन हमें देखने को मिलता है ना, किसी चीज़ को लिमिट कर देना, सीमित कर देना। तो यूक्रेन वार की शुरुआत से लेकर अब तक मिस्टर जेलेंस्की के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो बातचीत हैं वे सीमित थी, रेस्ट्रिक्टेड टू द पीरियड,
यानी कि सिर्फ किस टाइम पीरियड के दौरान मिस्टर मोदी ने बात की थी जेलेंस्की से? व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व इन द इवैक्यूएशन। देखो इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर जगह से खाली करना या उस जगह को खाली कराना, बाहर निकालना। जैसे मान लो कहीं चक्रवात आने वाला है, तो सरकार क्या करती है, उस पर्टिकुलर जगह से लोगों को इवैक्यूएट करती है, वहाँ से खाली करती है लोगों को, है ना। तो जब भारत सरकार जो है इस बात में इन्वॉल्व थी, किस बात में, इन द इवैक्यूएशन ऑफ अबाउट, अबाउट का यहाँ प्रयोग हुआ है लगभग के संदर्भ में, है ना, लगभग 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स। कि जब यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय जो 20,000 भारतीय स्टूडेंट्स थे उनको यूक्रेन से इवैक्यूएट किया गया। तो उस दौरान, सिर्फ उस पीरियड के दौरान मिस्टर मोदी की, मिस्टर जेलेंस्की से बातचीत हुई थी, और इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। द फोन कॉल, लेकिन ये जो रिसेंट फोन पर बातचीत हुई है मिस्टर मोदी की मिस्टर जेलेंस्की के साथ, केम ये बातचीत जो है हमें देखने को मिली, ये बातचीत आई अ फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद। अब देखो यहाँ पर अ लिखा हुआ है ना, तो अ फ्यू का मतलब हो गया कुछ। अ फ्यू वीक्स आफ्टर द पुतिन मीटिंग, मिस्टर मोदी की पुतिन के साथ मीटिंग के कुछ सप्ताह के बाद में ये फोन कॉल हुई। एंड मिस्टर जेलेंस्की जॉइंड वेस्टर्न लीडर्स इन कॉम्प्लीमेंटिंग मिस्टर मोदी। और मिस्टर जेलेंस्की जो है, ज्वाइन करना मतलब किसी के साथ में शामिल हो जाना, वेस्टर्न लीडर्स इन कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब होता है किसी की सराहना करना, किसी की तारीफ करना, मिस्टर मोदी। तो क्या हुआ कि कई जो पश्चिमी देश हैं इन्होंने मिस्टर मोदी की तारीफ की, किस बात के लिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर हिज, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वार। मिस्टर मोदी ने मिस्टर पुतिन के साथ जब मीटिंग की थी तो उस समय उन्होंने ये कमेंट किया था, क्या, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वार, कि अब युद्ध का समय नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो ये जो कमेंट उन्होंने किया था मिस्टर मोदी ने, इस कमेंट के लिए जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनके द्वारा मिस्टर मोदी की तारीफ की गई थी। और मिस्टर जेलेंस की जो हैं इन्होंने भी जो है मिस्टर मोदी को जो है कॉम्प्लीमेंट देते हुए, उनकी सराहना करते हुए उनकी तारीफ की इस बात के लिए ना, फॉर हिज कमेंट। तो ये वाला कमेंट जो है मिस्टर मोदी ने किया था। इन टर्न का मतलब होता है के बदले में। मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की दैट देयर इज़ नो मिलिट्री सॉल्यूशन। देखो क्या हुआ कि एक और मिस्टर जेलेंस्की ने मिस्टर मोदी की तारीफ की उनके कमेंट के लिए, कि भाई मिस्टर मोदी ने कहा कि भाई नाउ इज़ नॉट द टाइम फॉर वार, इस कमेंट के लिए मिस्टर जेलेंस्की ने मिस्टर मोदी की तारीफ की। अन्य वेस्टर्न लीडर्स ने भी इस बात के लिए मिस्टर मोदी की तारीफ की। बदले में क्या हुआ कि मिस्टर मोदी जो हैं इन्होंने टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की, इन्होंने मिस्टर जेलेंस्की को बताया दैट कि देयर इज़ नो मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है फाइट, संघर्ष, कि किसी भी तरह का अगर संघर्ष है तो उसका समाधान मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि सेना का प्रयोग करना, लड़ाई लड़ना, यानी कि एक तरीके से युद्ध जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। दे ऑल्सो स्पोक अ वीक आफ्टर इंडिया चोज टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। देखो इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, एब्सटेन फ्रॉम प्लस वर्ब में आईएनजी, है ना, एब्सटेन फ्रॉम, और इसके बाद में जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं ना तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ना, क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग, इस तरह से। तो ये जो दोनों नेता हैं यानी कि मिस्टर मोदी और मिस्टर जेलेंस्की जो हैं, इन्होंने एक सप्ताह बाद बात की, किसके एक सप्ताह बाद, इंडिया चोज टू एब्सटेन फ्रॉम। तो एब्सटेन फ्रॉम का मतलब है अपने आप को अलग रखना, इन्वॉल्व न होना, अपने आप को दूर रखना। वोटिंग अगेंस्ट रशिया, देखो क्या हुआ था कि एक सप्ताह पहले रशिया के अगेंस्ट वोटिंग हुई थी, ठीक है ना, फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स। एंड देखो रशिया ने क्या करवाया, कंडक्ट का मतलब होता है आयोजित करना, रेफरेंडम का मतलब हो गया एक तरीके की वोटिंग, एक तरीके का मतदान। तो रशिया ने क्या किया कि
कि ये जो एनेक्स का मतलब होता है किसी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेना, किसी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लेना। तो ये जो क्षेत्र हैं दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया एंड खेरसोन, तो ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए रशिया ने क्या किया, रेफरेंडम जो है कंडक्ट किया इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में। तो ये जो काम रशिया ने किया इसके खिलाफ जो है वोटिंग हुई, और इस वोटिंग में इंडिया ने भाग नहीं लिया। इंडिया ने इस बात को चुना, किस बात को, कि इंडिया ने जो है अपने आप को इस वोटिंग से दूर रखा। ऑल दो नाइदर लीडर रिफर्ड टू इट, हालांकि अभी हाल ही में मिस्टर जेलेंस्की और मिस्टर मोदी के बीच जो बातचीत हुई उस बातचीत में इस घटना का जिक्र नहीं किया गया। ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, नाइदर लीडर रिफर टू इट। भाई देखो अभी बातचीत हुई तो बातचीत के दौरान ये बात भी उठ सकती थी कि मिस्टर जेलेंस्की मिस्टर मोदी से कह सकते थे कि भाई अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो अभी ये जो वोटिंग हुई थी रशिया के खिलाफ तो उस वोटिंग में आपको भाग लेना चाहिए था, लेकिन आपने न्यूट्रलिटी दिखाई। लेकिन इस संबंध में दोनों लीडर्स की कोई बातचीत नहीं हुई। दे ऑल्सो डिस्कस्ड, एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि डिस्कस के बाद कभी भी जो है ना अबाउट का प्रयोग नहीं किया जाता। ये देखो डिस्कस जो है वर्ब के रूप में जब हम प्रयोग करते हैं डिस्कस, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं डिस्कस समथिंग, ऐसा नहीं बोलते डिस्कस अबाउट समथिंग, ये गलत होता है, ठीक है ना। तो डिस्कस के बाद में अबाउट नहीं लगाना है। दे ऑल्सो डिस्कस्ड द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस, क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस का मतलब हो गया महत्व, ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी। तो कुल मिला के परमाणु सुरक्षा जो है, और ये जो परमाणु सुरक्षा है ना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है, तो इसके बारे में भी मिस्टर मोदी और मिस्टर जेलेंस्की ने डिस्कशन किया। पर्टिकुलरली खास करके द जापोरिजिया प्लांट, देखो ये एक न्यूक्लियर प्लांट है यहाँ पे, जापोरिजिया प्लांट दैट हैज़ बीन ऑफ मच कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंता का विषय है ना, कंसर्न फॉर द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये जापोरिजिया प्लांट जो है यह IAEA के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय रहा है, विच इज इन्वॉल्व, आगे देखते हैं, विच इज इन्वॉल्व इन ब्रोकरिंग टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया टू इन्फोर्स अ न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन अराउंड इट। अब देखो यहाँ पे ये जो विच आया ना ये आया है IAEA के लिए, कि IAEA जो है इस बात में इन्वॉल्व है, इस बात में शामिल है, किस बात में, इन ब्रोकरिंग। देखो इस रूल को भी आप समझ लेना कि जब कोई वाक्य है उस वाक्य में आपको प्रेपोजिशन देखने को मिलता है, और उसके बाद में जब आप वर्ब लिखते हो ना तो वो आती है ING फॉर्म में। वाक्य आप कोई लिख रहे हो उसके बीच में कोई प्रेपोजिशन आया तो उसके बाद में जब आप वर्ब लगाते हो ना तो वो ING फॉर्म में आती है। तो IAEA जो कि इस बात में इन्वॉल्व है, किस बात में, ब्रोकरिंग। देखो ब्रोकर का मतलब क्या होता है, मध्यस्थ की भूमिका निभाना, दो पक्ष के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाना, ब्रोकरिंग टास्क। तो IAEA जो है इस बात में इन्वॉल्व है, वो क्या कर रहा है कि बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है, किन किन के बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में। टू एनफोर्स का मतलब है लागू कराना किसी चीज़ को, है ना, टू एनफोर्स का मतलब है किसी चीज़ को लागू कराना। अ न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन अराउंड इट, अराउंड का मतलब होता है के चारों ओर, यानी कि ये जो जापोरिजिया प्लांट है इसके चारों ओर न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन स्थापित हो सके इस बात के लिए IAEA यूक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत कराने की कोशिश में लगा हुआ है। द प्लांट, ये जो जापोरिजिया प्लांट है अंडर रशियन कंट्रोल, जो कि रशिया के कंट्रोल में है, और किस जगह पे पड़ता है ये जापोरिजिया प्लांट, एंड इन ओब्लास्ट प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब हो गया प्रांत, ओब्लास्ट प्रांत में है, ओब्लास्ट प्रांत में पड़ता है ये जापोरिजिया प्लांट, वेयर मिस्टर पुतिन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एनेक्सेशन। अब ये जो ओब्लास्ट प्रांत है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है,
मिस्टर पुतिन ने अभी हाल ही में एनेक्सेशन की घोषणा की है। एनेक्सेशन का मतलब है किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में ले लेना, कि किसी कोई ज़मीन है किसी और की, उसको आपने अपने कब्जे में ले लिया है ना, किसी पर्टिकुलर देश का जो क्षेत्र है उसको आपने कब्जे में ले लिया। तो ओब्लांस प्रोविंस जहाँ पर मिस्टर पुतिन ने अभी हाल ही में घोषणा की है, किस बात की? एनेक्सेशन की, कंट्रोल में लेने, ज़मीन को कंट्रोल में ले लेने की। आगे देखते हैं। इज़ नियर द सीन ऑफ फाइटिंग। अब ये देखो, ये इस किसके लिए आया है? ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरी बात इन ब्रैकेट में है। द प्लांट इज नियर द सीन ऑफ फाइटिंग, कि ये जो ज़ापोरिजिया प्लांट है, ये प्लांट जो लड़ाई जहाँ पे चल रही है ना, फाइटिंग जहाँ पे चल रही है ना, सीन ऑफ फाइटिंग, तो उसके निकट है ये प्लांट। द MEA, भारत का जो विदेश मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, सैड दैट मिस्टर मोदी अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब होता है किसी बात को रेखांकित करना, किसी बात पे जोर देना, उसे हाईलाइट करना। दैट एंडेंजरमेंट, एंडेंजरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को खतरे में डालना, उसे बोलते हैं एंडेंजरमेंट, है ना। ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज कुड हैव, तो मिस्टर मोदी ने इस बात को हाईलाइट किया। देखो, विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्टर मोदी ने इस बात को हाईलाइट किया कि एंडेंजरमेंट ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कि परमाणु से संबंधित है ना, ये जो भी आप कह सकते हो कि जो परमाणु क्षेत्र से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं, तो इनको खतरे में डालने से, कुड कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए, तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो हैं इनको खतरे में डालने से क्या हो सकता है? कुड हैव कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है निगेटिव परिणाम, नकारात्मक परिणाम। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई कि मिस्टर मोदी ने इस बात को हाईलाइट किया कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं इनको खतरे में डालने से क्या हो सकता है? विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। किसके लिए? फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, कि पब्लिक हेल्थ, कि अगर हम बात करें पब्लिक का जो स्वास्थ्य है ना, लोगों का स्वास्थ्य, इसके अलावा जो पर्यावरण है उस पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को खतरे में डाला जाता है। ऑल दो, यद्यपि ही डिड नॉट क्लैरिफाई, हालांकि उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया, इस बात पर स्पष्टीकरण नहीं दिया, विच साइड द पेरिल, पेरिल का मतलब होता है खतरा, जोखिम, वाज पोज्ड फ्रॉम। देखो, पोज का मतलब क्या होता है? खड़े करना, कोई चुनौती खड़े करना, कोई सवाल खड़े करना, उसको बोलते हैं पॉज, है ना, पॉज अ चैलेंज। हालांकि इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया गया कि किस पक्ष के द्वारा इस खतरे को खड़ा किया गया, यानी कि ये जो आप कह सकते हो कि ये जो न्यूक्लियर खतरा है ना, कि वहाँ पर जो परमाणु संयंत्र है तो उसकी सेफ्टी से संबंधित जो खतरा है, तो ये खतरा किस पक्ष के द्वारा खड़ा किया गया है, रूस के द्वारा या यूक्रेन के द्वारा, इस बात को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया। फाइनली, अंततः मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड, मिस्टर मोदी ने इस बात को अभिव्यक्त किया, इंडियाज रेडीनेस, भारत की तत्परता, रेडीनेस का मतलब है आप तैयार हो किसी भी चीज़ के लिए, टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स, कि किसी भी तरह के शांति के जो प्रयास हैं उनमें योगदान देने के लिए भारत ने अपनी तत्परता को प्रदर्शित किया। टू विच, तो भारत ने ये जो बात कही कि भाई हम पीस एफर्ट्स के लिए तैयार हैं, तो इस बात को रिप्लाई करते हुए मिस्टर जेलेंस्की ने कहा, है ना, रेस्पॉन्ड का मतलब है प्रतिक्रिया देना, तो इस बात के प्रति मिस्टर जेलेंस्की ने कहा दैट कि ही वुड नॉट कंडक्ट एनी नेगोशिएशंस। देखो, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत करना, बातचीत के माध्यम से किसी समस्या का हल निकालना, इसको कहते हैं नेगोशिएशन। मिस्टर जेलेंस्की ने कहा कि वे किसी भी तरह के नेगोशिएशंस मिस्टर पुतिन के साथ नहीं करेंगे। विथ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन, कि
रूसी संघ के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं यानी कि मिस्टर पुतिन, उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी, ये मिस्टर जेलेंस्की ने कहा। ओवर द पास्ट 7 मंथ्स, कि पिछले 7 महीनों के दौरान द वार एंड वेस्टर्न सैंक्शंस। देखो ये जो सैंक्शन शब्द है बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। क्यों? सैंक्शन के दोनों मतलब होते हैं और दोनों मतलब जो है ना बड़े अपोजिट हैं। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी देना और सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। देखो एक ही शब्द है और उल्टे मीनिंग्स हैं। सैंक्शन का एक मतलब होता है मंजूरी देना, जैसे कोई योजना है उस योजना के लिए सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया। इसके अलावा सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगा देना कि कोई पर्टिकुलर देश है उसके व्यापार करने के ऊपर आपने सैंक्शन लगा दिया, तो प्रतिबंध लगा दिया। तो ध्यान में रखना, इस सैंक्शन शब्द को समझने के लिए आपको वाक्य को पढ़ना पड़ेगा और कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। तो देखो क्या हुआ है, पिछले 7 महीनों के दौरान युद्ध हुआ है एंड वेस्टर्न सैंक्शंस, और जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया के ऊपर। तो इन प्रतिबंधों के कारण क्या हुआ है, युद्ध और प्रतिबंधों के कारण क्या हुआ है, हैव हैड अ ड्रामाटिक इम्पैक्ट। तो बहुत ही नाटकीय प्रभाव, ड्रामाटिक का मतलब हो गया बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नाटकीय, और इम्पैक्ट का मतलब हो गया प्रभाव, ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी, फूड, फ्यूल एंड एनर्जी सप्लाईज, कि एनर्जी के जो भी संसाधन हैं, फ्यूल है, फूड है, सुरक्षा है ना, ग्लोबल सुरक्षा है, इन सभी पर बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। किसके कारण? जो भी पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा जो भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं, तो इन सैंक्शंस का बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? ग्लोबल सिक्योरिटी है, वैश्विक सुरक्षा है, फूड है, फ्यूल है, एनर्जी सप्लाई है, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, टू कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन, कि बातचीत करने के जो भी रास्ते हैं उन्हें खुला रखा जाए। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, कीप द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, कि बातचीत के जितने भी रास्ते हैं, बातचीत के जो भी रास्ते हो सकते हैं उन्हें खुला रखना जरूरी है। एज मिस्टर मोदी हैज़ डन, जैसा कि मिस्टर मोदी ने किया है विथ मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर जेलेंस्की। भाई मिस्टर मोदी ने, ये जो समस्या चल रही है, वार चल रहा है, तो इसके संबंध में मिस्टर मोदी ने जो है पुतिन से भी बातचीत की, मिस्टर जेलेंस्की से भी बातचीत की, तो कुल मिला के इसी तरह से कम्युनिकेशन को ओपन रखना जरूरी है। इंडिया हैज़ एन इस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड, इस्टेब्लिश्ड का मतलब है स्थापित। तो भारत का रिकॉर्ड जो है ना वो बहुत ही अच्छा रहा है, भारत का एक स्थापित रिकॉर्ड है। किस बारे में? इन ग्लोबल पीस मेकिंग, कि जो वैश्विक पीस मेकिंग, पीस मेकिंग का मतलब है शांति स्थापित करना, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये जो वाक्य आया, यहाँ पे प्रेपोजिशन आया इन, और इसके बाद में फिर आपको जो है इन, ये तो खैर आप इसका कह सकते हो नाउन के रूप में ये तो प्रयोग हुआ है ना, इन ग्लोबल पीस मेकिंग, कि वैश्विक शांति स्थापित करने में भारत का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही स्थापित है, यानी कि भारत ने जो है कई बार वैश्विक शांति स्थापित करने में अपनी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। हाउएवर, हालांकि न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट। देखो प्ले पार्ट इसका मतलब होता है भूमिका निभाना। तो भारत सरकार जो है पीस मेकिंग में अपनी भूमिका निभा सकता है इफ इट ऑल्सो सेट आउट। देखो सेट, अब यहाँ पे देखो सेट्स आउट क्यों आया, न्यू दिल्ली के लिए ना, न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है तो इसके लिए लगाया हमने सेट्स आउट, न्यू दिल्ली सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। इफ इट ऑल्सो सेट्स आउट, सेट आउट का मतलब होता है किसी यात्रा की शुरुआत करना है ना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, उसको बोलते हैं सेट आउट, या किसी चीज़ को अरेंज करना, प्रॉपरली अरेंज करना। तो नई दिल्ली जो है या भारत सरकार जो है पीस मेकिंग की भूमिका निभा सकती है, कब? जब भारत सरकार इस बात की शुरुआत करती है, इट्स पोजिशन मोर क्लियरली। पोजिशन का मतलब है कि भाई आपका पक्ष क्या है, आपका स्टैंड क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, मोर क्लियरली।
तो ये जो यूक्रेन वार है इसके संबंध में भारत सरकार अगर अपनी पोजीशन को, अपने स्टैंड को क्लियर करती है, तभी भारत सरकार जो है आगे पीस मेकिंग में अपनी भूमिका निभा सकती है। एंड लिंक्स इट टू इट्स एक्शंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो भारत को क्या करना जरूरी है कि अपनी पोजीशन को डिफाइन करे, और लिंक का मतलब है कनेक्ट करना, जोड़ना। इट आया है भारत के लिए, और इट्स मतलब भारत के, और भारत क्या करे उसके जो एक्शंस हैं उनको ग्लोबल मंच पे जो है प्रदर्शित करे, है ना, उनको कनेक्ट करे, यानी कि वैश्विक स्तर पे यूक्रेन वार से संबंधित कोई भी वोटिंग होती है, कोई भी फैसला लिया जाता है, तो उन फैसलों में भारत न्यूट्रलिटी की बजाय अपने स्टैंड को क्लियर करे, तभी जाके भारत जो है पीस मेकिंग में अपनी भूमिका निभा सकता है। द गवर्नमेंट्स डिफायंस, डिफायंस का मतलब होता है ओपनली रेसिस्ट करना, प्रतिरोध करना, विरोध करना। द गवर्नमेंट्स डिफायंस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन। देखो, पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया पे ऑन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड, अब यहाँ पे ये इस किसके लिए आया है? ये इज आया है यहाँ पर डिफायंस के लिए, कि सरकार, द गवर्नमेंट्स डिफायंस, द गवर्नमेंट्स डिफायंस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड। भारत सरकार का प्रतिरोध, किस बात को लेकर भारत सरकार ने प्रतिरोध जताया है? पश्चिमी देशों ने ये जो प्रतिबंध लगाए हैं ना ऑयल के व्यापार पे, सुरक्षा से संबंधित व्यापार पे, तो इसके प्रति जो भारत का प्रतिरोध है इज अंडरस्टैंडेबल। ये प्रतिरोध जो है, ये विरोध जो है अंडरस्टैंडेबल है, यानी कि समझ में आने लायक है। इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है अगर इस रूप में हम बात करें, डिफेंडिंग का मतलब है सुरक्षा करते हुए, है ना, सुरक्षा करना। इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट, भारत के राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो कुल मिला के भारत ने ये जो चिंता जताई है वो चिंता समझ में आने लायक है। हावेवर, हालांकि, इट इज़ हार्डर, ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है टू कोरिलेट। कोरिलेट का मतलब है दो बातों में सहसंबंध स्थापित करना, है ना, दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर पाना, उसको बोलते हैं कोरिलेट। मिस्टर मोदीज कमेंट्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एश जयशंकर्स रिमार्क, कि विदेश मंत्री, भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने जो रिमार्क्स किए हैं, उन्होंने जो कमेंट्स किए हैं, इसके अलावा मिस्टर मोदी ने जो कमेंट्स किए हैं उनको कोरिलेट कर पाना बहुत मुश्किल है ना, उनमें संबंध जोड़ पाना काफ़ी मुश्किल है। ऑन, तो इन दोनों ने कमेंट्स किस बात के ऊपर किए हैं? एडेरेंस टू, एडेर के बाद में आता है टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, पालन करना, मानना। द यूएन चार्टर, यूएन चार्टर का मतलब हो गया यूएन का घोषणा पत्र, कि मिस्टर मोदी और मिस्टर एस जयशंकर के द्वारा जो कमेंट्स किए गए हैं किस बात के ऊपर किए हैं उन्होंने कमेंट्स? यूएन के घोषणा पत्र को फॉलो करने के संबंध में, तो इन कमेंट्स में सहसंबंध स्थापित कर पाना मुश्किल है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल सॉवरनिटी, सॉवरनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई देश पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है और वह अपने फैसले ले सकता है बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के दबाव के, उसके लिए कहा गया, ठीक है। तो कुल मिला के भारत ने जो है ये कहा है, या आप कह सकते हो मिस्टर मोदी और मिस्टर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया है कि भाई, क्या कहा है उन्होंने? ऑन एडेरेंस टू द यूएन चार्टर, है ना, उन्होंने कहा है कि भाई हम यूएन घोषणा पत्र जो है उसको फॉलो करते हैं, और इस बात का महत्व भी जो है उन्होंने बताया है। ऑफ प्रोटेक्टिंग का मतलब है रक्षा करना, टेरिटोरियल सॉवरनिटी, कि कोई भी पर्टिकुलर देश है उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर उस पर्टिकुलर देश की संप्रभुता है, और ये बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई कोई देश है तो उसकी संप्रभुता का सम्मान किया जाए। वाइल, जबकि इंडिया कंटिन्यूज टू एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब है अपने आप को दूर रखना, अपने आप को अलग रखना। ऑन ऑल वोट्स, कि भारत लगातार इस बात को जारी रखे हुए है, ऑन ऑल वोट्स दैट क्रिटिसाइज, कि यूएन में
जब भी वोटिंग होती है और उस वोटिंग में रशिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, रशियास एक्शन इन यूक्रेन, रशिया ने जो भी कदम यूक्रेन में उठाए हैं, इन कदमों के संबंध में जब भी कोई वोटिंग यूएन में होती है यानी कि रशिया की आलोचना की जाती है, तो भारत जो है उस वोटिंग में भाग नहीं लेता। तो कुल मिला के ये दोनों बातों में विरोधाभास हमें दिखाई देता है। एक तरफ तो भारत कहता है कि हम जो हैं यूएन चार्टर को एडहेयर करते हैं, फॉलो करते हैं। भारत इस बात को भी कहता है कि भाई कोई भी देश है उसकी जो टेरिटरी है तो उसकी सॉवरनिटी का को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ना, कोई भी देश जो है उसकी सॉवरनिटी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन जबकि हम दूसरी ओर क्या देखते हैं, भारत जो है लगातार रशिया के खिलाफ जो वोटिंग हो रही है यूक्रेन के संबंध में उनसे बच रहा है, भारत उस वोटिंग में भाग नहीं ले रहा है ना, तो ये एक विरोधाभास देखने को मिलता है। तो रशिया ने जो भी एक्शंस उठाए हैं यूक्रेन में, क्या क्या हैं रशिया के एक्शंस, इंक्लूडिंग उनमें क्या क्या शामिल है, द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस यानी कि जो नागरिक हैं उनके ऊपर जो है धमाके किए गए, बॉम्ब ब्लास्ट किए गए रशिया के द्वारा, एंड द एनेक्सेशन, एनेक्सेशन का मतलब है कि ज़मीन को कंट्रोल में ले लेना, ज़मीन पर कब्जा कर लेना है, किसी दूसरे देश की ज़मीन है उसको आपने अपने कब्जे में कर लिया, ऑफ ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, तो रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और जो भी क्षेत्र प्राप्त हुए उनको उनको जो है एनेक्स कर लिया यानी कि उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया, तो ये काम किए रशिया ने, जो नागरिक हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग की गई। तो ये जो सारे एक्शंस हैं इन सारे एक्शंस को यूएन में क्रिटिसाइज़ किया गया, रशिया को क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन इस आलोचना के दौरान जो भी वोटिंग हुई उस वोटिंग में जो है भारत ने कोई पक्ष नहीं लिया, भारत ने जो है न्यूट्रलिटी मेंटेन की। तो यहाँ पर यही एडिटोरियल फाइनली कहना चाह रहा है कि भाई एक और यदि भारत कहता है कि वे यूएन चार्टर को फॉलो करते हैं, इसके अलावा एक देश की सॉवरनिटी को जो का सम्मान करते हैं, तो भारत को चाहिए कि इस संबंध में अपनी स्थिति को क्लियर करें, है ना।